हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए आवेदन किया है और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो है आपका 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। सिर्फ 26 दिन शेष बचे हुए हैं, तो लास्ट 26 दिनों की पढ़ाई की रणनीति कैसे बनाएँ। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो भी कॉमेंट्स आए थे बच्चे के, उन सभी कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, एग्ज़ाम जो है आपका 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 26 दिनों की पढ़ाई की रणनीति कैसे बनाएं। आज का दिन छोड़ के आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 26 दिन शेष बचे हुए हैं, तो इन 26 दिनों में पढ़ाई की रणनीति कैसे बनाएं। डेली आपको पढ़ाई पर 8 से 9 घंटे देने होंगे, इससे कम ना ज़्यादा। दूसरी बात ये, आपको पढ़ाई तो करना है लेकिन रटना नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसका रिविज़न कर डालिए आप लोग, और जो भी मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर दे रहा हूँ, उन सभी को सॉल्व करते चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। डेली मैं आप लोगों को 2 वीडियो दे रहा हूँ, हमारे 2 चैनल हैं, उन दोनों चैनल पर आपको एक एक वीडियो मिल रहा है। अगर आप लोगों ने हमारे सारे वीडियोस देख लिए, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर अगर होंगे, और अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ राजस्थान जीके और सामान्य हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके राजस्थान अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी का निचोड़ मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। हर वीडियो में हर क्वेश्चन का निचोड़ होता है, ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, एक बार आप लोग चेक करिए। उसमें आपको सिंपल भी क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे और हार्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, क्लास का टाइम आपका रहता है, जो हमारा नया चैनल है उसमें टाइमिंग है 7 PM। दूसरा जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर डेली 8 PM क्लास होती है। दोनों ही क्लास को आपको मिस नहीं करना है, 1 घंटे के अंतराल पर आपकी दोनों क्लासें होती हैं, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पढ़ाई कैसे करनी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए और अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहिए और अपनी तरफ से पढ़ते रहिए। ऐसा मत करना कि आप मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी पढ़िए, बुक से भी पढ़िए, जो प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ उनको भी सॉल्व करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाता है। 26 दिनों की रणनीति आपको ऐसे बनानी है और 8 से 9 घंटे आपको पढ़ाई पर फोकस हर हाल में करना होगा। तो चलिए कॉमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहला कॉमेंट्स एक बच्चे का आया था, ये बच्चा पूछ रहा है कि सर, क्या इन 28 दिनों में हम ऐसी तैयारी कर सकते हैं जिसे पीटीटी में सिलेक्शन हो जाए। देखिए घनश्याम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, बात है गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज कैसे लाएं आप लोग, मैं उसकी बात कर रहा था। सिलेक्शन तो आसानी से हो जाएगा और आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा और आप पीटीटी भी आसानी से कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 400 से 420 नंबर लाने होंगे, इससे कम ना ज़्यादा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा 2021 में, तो आपने देखा होगा कितना कंपटीशन था उसमें, जिन बच्चों के 380 नंबर थे उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन तो चाहिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए, अगर प्राइवेट चाहिए तो बात अलग है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको भरपूर तैयारी करनी होगी। अगला जो कॉमेंट्स आया था एक बच्चे का, ये बच्चा कह रहा है सर, ओबीसी से पीटीटी 2022 में कितने नंबर पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग तो आप 320 नंबर पर भी करा सकते हैं और 400 से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यह बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग तो आप करवा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी करा सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से भी करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कितने नंबर चाहिए, काउंसलिंग तो आप करवा सकते हैं, जितने भी नंबर आपके हों आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं कुल मिला के। अगला जो कमेंट्स आया था एक बच्चे का, ये बच्चा कह रहा कि सर, एससी में कितने नंबर में सिलेक्शन हो सकता है पीटीटी में।
ऐसे में इतना कंपटीशन नहीं होगा, ये मान के चलिए अगर आप 340 से 350 नंबर ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है मुकेश जी, तो यहाँ से आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाता है। अगला कमेंट्स आया था एक बच्चे का, सर पीटीटी एग्ज़ाम के आधार पर पढ़ाएं। तो देखिए रमन जी, मैं आपको पीटीटी के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार मेरे वीडियोस देखिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है पीटीटी के लेवल के हैं या नहीं। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे तब आप ऐसी बात कर रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स कर देना बहुत ही आसान है। आपने हमारे पूरे वीडियो भी नहीं देखे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब तक आप हमारे पूरे वीडियो में नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पीटीटी के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। मेरे बिल्कुल पीटीटी के लेवल के क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो देखिए। अगला जो कमेंट्स आया था, सर पीटीटी 2022 में कुल कितनी सीटें हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके बारे में जानकारी करके मैं अपने अगले वीडियो में आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है बिल्कुल भी अभी फिलहाल। अगला कमेंट्स आया था संतोष जी का, सर पीटीटी एग्ज़ाम के साथ एमए फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स की भी है तो पीटीटी की तैयारी कैसे करें ये बताइए। तो देखिए पीटीटी के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप एमए फाइनल ईयर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप पीटीटी की भी तैयारी कर सकते हैं। अगला जो कमेंट्स आया था एक बच्चे का, हिंदी की भी क्वेश्चन बताएं प्लीज़ सर, मेरे पास में लास्ट चांस है। तो हिंदी के भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपको हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे और जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर अगर होंगे तभी आपको ये वीडियो अगर आपने देखे होंगे, अगर हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हर टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग के नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि जब तक वीडियोस पर व्यूज़ आना स्टार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं क्लासें आपकी स्टार्ट नहीं कर सकता। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं आप लोगों को अपनी तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ। अगला कमेंट आया था एक बच्चे का, सर जी अब पढ़ाई स्टार्ट करूँ तो मेरे भी बीएड में नंबर आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। 26 दिन में अगर आप तैयारी करते तो आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस 8 से 9 घंटे आप पढ़ाई पर फोकस करिए, अगर आपके अंदर कैपेसिटी होगी तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी ला सकती हैं। बस जो मैं कह रहा हूँ वो आप उसको फॉलो कीजिए आप। अगला कमेंट आएगा बच्चे का, सर पीटीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरे 2 चैनल हैं, 7 बजे और रात के 8 बजे, शाम को 7 बजे शाम के 8 बजे, ठीक है। दोनों क्लास को ज्वाइन करना है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। क्लास का टाइम मैंने आपको बता दिया, 7 और 8, 1 घंटे के अंतराल में आपकी दूसरी क्लास होती है। अगला जो कमेंट्स आया था एक बच्चे का, सर हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, सर हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी के कुल टोटल क्वेश्चन आते हैं 50, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला कमेंट्स आया था एक बच्चे का, ज़्यादा नहीं करनी है, 8-9 घंटे ही करनी है, मस्त है। ठीक है आप 8-9 घंटे पढ़ाई करिए, ये आपके ऊपर, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये आपके ऊपर है जितेंद्र जी, ये आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन पीटीटी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आपको कल मिल जाएगा। अगर आप आज कमेंट्स करते हैं या कल कमेंट्स करते हैं शाम को आपको उस कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और दूसरे चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा नया चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग। आपकी दूसरी जो क्लास है रीजनिंग की वो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।